गोरख बाबा के दर्शन करने के बाद गोरखपुर शहर को अगर नहीं घूमे तो फिर आपका गोरखपुर आना बेकार है। इसलिए हम निकल पड़े थे गोरखपुर शहर को घूमने के लिए। और यह गोरखपुर शहर का मेन रोड है जो गोरख बाबा मंदिर के सामने से जाता है, और वहाँ पे हमें देखने को मिला योगी बाबा का कॉम्प्लेक्स और साथ में यह ब्रिज। और इस ब्रिज को पार करने के बाद शैलेश भाई की मजाक मस्तियों को सुनते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और हंसते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे थे। रास्ते में हमें ओवरब्रिज के नीचे से जाने का एक ट्रैफिक में फंसने का अच्छा खासा मौका मिला। उसके बाद हम निकल पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ। आगे बढ़ते ही तीन सवारी होने के वजह से हमें चालान भरने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। ए, उसी में बैठे रहिए आप। हम उतरे कि नहीं उतरे? उसी में बैठे रहिए आप। ठीक है, जाइए तो, जाइए तो। दीजिए बैग, दीजिए। आ चुके हम वी पार्क, जिसको बोलते हैं विंध्यवासिनी पार्क, विंध्यवासिनी पार्क गोरखपुर। और ये है किरण जी जो साइलेंट खड़ी है। सबसे ज़्यादा अच्छा इनके साथ ये लग रहा है कि हमेशा हंसती रहती है। और यही आज की हमारी गाइड है। और काफ़ी अच्छा माहौल है, एकदम शांत है, ब्यूटी ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी, पूरा ग्रीन ग्रीन चारों तरफ। ऐसा लगा ये नज़ारा, ये पार्क है, शुरुआत में ही कुछ ऐसा है माहौल है यहाँ पे। उसके बाद इधर बड़ा सा पार्क है बच्चों को खेलने के लिए, यहाँ पे कुछ बनाए गए हैं झूले टाइप के, और उधर बड़े बड़े पेड़ हैं। चलेंगे, आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे और फुल इंजॉय करेंगे। ये पार्क और ये रास्ता, आपको ये वाला जो रास्ता है कई सारे भोजपुरी गाने में देखने को मिल जाएगा, कई सारे खेसारी लाल के मूवी में, पवन सिंह की मूवी में ये वाला रास्ता देखने को मिल जाएगा। इसी रास्ते पे कई बार कई सारे गाने शूट हो चुके हैं, कई सारी फिल्में शूट हो चुकी हैं गोरखपुर के वी पार्क में। अपनी फैमिली के साथ आकर इस पार्क में एक अच्छा टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं। इस पार्क की खूबसूरती को देखते ही आपका जी नहीं भरेगा और आप एक सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे। कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है और इस पार्क के अंदर फाउंटेन बना हुआ है। फाउंटेन है, ग्रीनरी है, फूल पौधे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फाउंटेन अभी चालू नहीं है, बट कभी चलता होगा, फिलहाल इस समय नहीं चालू है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। हाँ बताइए। अभी आएगा ना गाना, मुझे कम्बल मंगा दे बेदर्दी, तो ये लाके मुझको से उठा दीजिएगा। ठीक है। रील शूट हो रहा है, मुझे कम्बल मंगा दे बेदर्दी। कम्बल है? अरे कम्बल है वो, मुझे कम्बल मंगा दे बेदर्दी। रील की शूटिंग चल रही है। बेदर्दी कम्बल नहीं लाया, मफलर लेके आया है। ये है बेदर्दी जी, मफलर लेके आया है। काफी अच्छा रील था, आप लोग रील को देखना होगा तो उस रील का लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। यही वाला बेदर्दी मफलर लेके आया है, ये वाला सबसे बढ़िया है। जाइए इसके ऊपर लेके जाइए। एक ही लोग यहाँ पे झूला उला झूल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वी पार्क छोटा सा फैमिली पार्क टाइप का है, आप आ सकते हैं, यहाँ मस्ती कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और इसमें शूटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, देख सकते हैं प्यारा सा व्यू है। बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा व्यू है। ये पेड़ जो लंबे लंबे पेड़ हैं खूबसूरती बढ़ा देते हैं इस पार्क के।